हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। मैंने ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच रखी है। शोल्डर की चौड़ाई 6 इंच है। आर्म होल की लेंथ मैंने 6 इंच रखी है। ब्लाउज का साइज़ अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। अब 3 इंच की चौड़ाई रखते हुए हम गले पर मार्किंग कर देते हैं। नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई रखते हुए मार्क कर दीजिएगा। दोनों मार्क को मैंने कर दिया, बिल्कुल बराबर में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब गले की लेंथ लेंगे तो मैं 10 इंच रख रही हूँ। 10 इंच पे मार्क करके बिल्कुल बराबर में लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो मैंने लाइन को पूरा ड्रॉ कर दिया है। अब गले पे डिज़ाइन का मार्क करेंगे। तो आप वीडियो में देख लीजिए मैं कैसे डिज़ाइन का मार्क कर रही हूँ। सेम इस तरीके से डिज़ाइन का मार्क कर दीजिएगा। अब जिसको जहाँ से मार्क किए इसी मार्क पे देखिए, मैं एक बार और मार्क कर रही हूँ। इसी ये डार्क हो जाएगा। इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, देखिए दूसरे साइड से भी मार्किंग आ चुकी। यहाँ से भी डार्क कर देंगे। तो मैं दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से डिज़ाइनिंग की मार्किंग कर दिया है। ब्लाउज़ का कपड़ा लिए, दोनों को बराबर में रख देंगे। ये देख लीजिए मैंने ब्लाउज़ का कपड़ा रख दिया बराबर में। और अस्तर को बीच से पहले एक सिलाई लगा के स्टिचिंग कर लेंगे। अब गले की स्टिचिंग करेंगे तो जहाँ से मार्किंग की है सेम इसी जगह से सिलाई लगा के पूरे गले की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देख लीजिए मैंने गले की कम्प्लीटली स्टिचिंग कर दिया। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है गले पे इसे हम पूरा कटिंग करके निकाल देते हैं। तो मैंने पूरा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल दिया, देख लीजिए। अब ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो मैंने कम्प्लीटली पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग कर दिया है, देख लीजिए। ब्लाउज़ को साइड करेंगे और मैंने ये बुकरम लिया। बुकरम को डबल फोल्ड करके रखे हैं। नीचे के साइड से थोड़ा सा राउंड करके मार्किंग करके यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो मेरा गले की डिज़ाइन में आ चुका है। अब इसके उस साइड एक साइड से हम फैब्रिक ज्वाइन करेंगे। तो मैंने फैब्रिक लिया हुआ है। अब फैब्रिक को हम पहले बीच से स्टिच कर देंगे। इससे बिल्कुल मिड पार्ट हमें पता चल जाएगा डिज़ाइन को स्टिच करते समय। अब इसकी ऑल राउंड स्टिचिंग कर देंगे फैब्रिक के साथ में। तो आप देख लीजिए मैं कैसे स्टिचिंग कर रही हूँ इसकी। सेम इस तरीके से पूरा स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो मैंने कम्प्लीटली इसको स्टिच कर दिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक पूरा कट करके निकाल दीजिएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद अब जो साइड से थोड़ा फैब्रिक इस पर हमने रखा हुआ है इसको देखिए मैं फोल्ड करके बकरम के बिल्कुल बराबर करते हुए पूरा सिलाई लगा के स्टिच कर दीजिएगा। इस तरीके से पूरा जितने देखिए मैं पूरा साइड से इसके पूरी स्टिचिंग कर रही हूँ फैब्रिक को फोल्ड करके। ऐसे आप भी कीजिएगा। तो ये देख लीजिए मैंने अच्छे तरीके से पूरी इसकी स्टिचिंग कर दिया है। अब इसके साथ में ब्लाउज को स्टिच करेंगे। तो ब्लाउज ले लेते हैं, बिल्कुल बराबर में रख देंगे गले को और एक सिलाई लगा के पूरा गले के साथ में इसको स्टिच कर देंगे। तो मैंने कम्प्लीटली इसकी स्टिचिंग कर दिया। अब इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है इसको हम पूरा कटिंग करके निकाल देंगे। मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पूरा कट करके निकाल दिया। अब इस पर छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं। गले को पलटकर सीधा करने के बाद डिज़ाइन तब सेम आएगा। तो मैंने कट्स लगा दिए। अब इसको गले को पलटकर सीधा कर देते हैं पूरा। ये मेरी डिज़ाइन देखिए सीधी होने के बाद आ चुकी है। अब इस पर एक सिलाई लगा के पूरे डिज़ाइन की स्टिचिंग कर देंगे।
तो मैंने इसकी अच्छे से देखिए गले की स्टिचिंग कर दिया है, देख लीजिए डिज़ाइन आ चुका है अच्छे से। अब पहले नीचे के साइड से डबल फोल्ड करके ट्रक्स की स्टिचिंग कर देंगे। इस तरीके से दोनों साइड से ट्रक्स की स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो मैंने दोनों साइड से ट्रक्स स्टिच कर दिए। नीचे के साइड से मैंने फैब्रिक ज्वाइंट किया है। इस फैब्रिक को देखिए मैं डबल फोल्ड करके ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करके एक सिलाई लगा के पूरी स्टिचिंग कर देंगे। तो मैंने पूरी स्टिचिंग कर दिया है, देख लीजिए ब्लाउज़ की। अब ब्लाउज़ मेरा देखिए कंप्लीट है। ब्लाउज़ साइड करेंगे और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये पट्टी ली। इसको डबल फोल्ड करके पहले साइड से हम इसकी एक सिलाई लगा के स्टिचिंग कर देंगे। तो मैंने पट्टियों को स्टिच कर दिया। अब इसको पलट कर सीधा कर देंगे। तो मेरी पट्टी सीधी हो चुकी। इस तरीके से दूसरी भी कर देंगे और पट्टियों को बिल्कुल बराबर में कर दीजिएगा। इस तरीके से मैंने 4 पट्टी बनाई हुई है। इसको साइड करते हैं और मैंने ये पट्टी ली इसकी स्ट्रेच वाले, क्योंकि मैंने क्रॉस में कटिंग किया है। अब इसको डबल फोल्ड करके देख लीजिए, मैं साइड से इसकी सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीके से आप भी इसके पूरा साइड से सिलाई लगा दीजिएगा। तो मैंने कम्प्लीटली सिलाई लगा दिया इस पर। इसको पलट कर सीधा कर देंगे। तो मैंने देखिए इसको पलट कर सीधा कर दिया, इसकी चौड़ी सी पट्टी आ चुकी है। अब इस पट्टी से मुझे डिज़ाइन करना है, तो पहले हम इस पट्टी को अच्छे तरीके से हाथों की सहायता से बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको बना दिया। इसको साइड करेंगे और मैंने ये कुछ कपड़े कट किए, तो स्क्वायर में इसकी कटिंग मैंने की है। इसको बिल्कुल बराबर में रखेंगे। राउंड कुछ ले लीजिएगा, उसको इसके ऊपर रखते हुए पूरा मार्किंग कर दिया, देख लीजिए। अब साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके पूरा कटिंग करके निकाल दीजिएगा। मैंने कटिंग करके निकाल दिया। अब इसका फ्लावर बनाएंगे, तो इसको 4 पार्ट्स में फोल्ड करेंगे। तो आप देख लीजिए मैं कैसे इसकी फोल्डिंग की हूँ। अब नीडल की सहायता से हम इसको स्टिच करेंगे। तो छोटे छोटे पार्ट्स में स्टिचिंग करते हुए फ्लावर बना दीजिएगा। तो मैं आपको कुछ ऐसे स्टिच करके दिखा देती हूँ। तो मैंने फ्लावर को स्टिचिंग कर दिया। यहाँ से एक टाइट गार्ड लगा के इसको बांध देते हैं। अब जो इसमें धागा है एक्स्ट्रा, उसको कट करके निकालने के बाद इसको अच्छे तरीके से फ्लावर को बना दीजिएगा। मेरा फ्लावर देखिए बन चुका है। इस पर हम एक बटन लगा के इसको डेकोरेट कर देते हैं, इससे ये ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। अब इसको साइड करेंगे और जो मैंने ये पट्टियाँ बनाई हुई थी, इस पट्टियों को मोती से डेकोरेट करेंगे। तो मैंने मोती ले लिया। इन पट्टियों को पहले डिज़ाइन के तरीके से हम रख लेते हैं। तो इस तरीके से एक साइड से 2 पट्टियाँ रहेंगी। तो आप वीडियो में देख लीजिए, ऐसे पट्टियों को रख दीजिएगा। नीडल की सहायता से हम यहाँ से इसके 4 जो पार्ट्स बने हुए हैं डिज़ाइन के, यहाँ पे मोती लगाएंगे। तो मैं आपको कुछ मोतियाँ लगा के दिखा देती हूँ, जिससे आपको ये समझ में आए कैसे मैं मोतियों को स्टिच कर रही हूँ डिज़ाइन के साथ में। तो मैंने एक मोती स्टिच कर दिया है, ये देखिए एक पार्ट कम्प्लीट है। दूसरा पार्ट लेंगे, यहाँ से भी मोती को स्टिच कर देंगे। तो जिस तरीके से मैंने आपको ये दोनों दिखाया, इस तरीके से 2 पार्ट और आएंगे ज्वाइंट करने के बाद। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ज्वाइंट करने के बाद कैसे 2 पार्ट आएंगे इसके। ये देखिए साइड से 2 पार्ट्स और आ रहे हैं, वहाँ पर मैंने मोती लगा दिया है। मेरी ये डिज़ाइन कंप्लीट है। अब मैंने ब्लाउज़ लिया, ब्लाउज़ के साथ में इसको बिल्कुल मिड से देखिए गले पर रखते हुए ज्वाइंट करेंगे यहाँ से। इस तरीके से आप बिल्कुल बराबर में ब्लाउज के रख दीजिएगा डिज़ाइन को। तो मैंने रख दिया। अब यहाँ से हम एक सिलाई लगा के पूरे डिज़ाइन को ज्वाइंट कर देंगे ब्लाउज के साथ में। तो ये देख लीजिए मैंने अच्छे से डिज़ाइन को ज्वाइंट कर दिया है ब्लाउज के साथ में। अब हम लेस लेंगे और गले पे अच्छे तरीके से पूरे लेस की स्टिचिंग कर देंगे। तो आप देख लीजिए मैं कैसे स्टिचिंग कर रही हूँ लेस की। तो बिल्कुल कॉर्नर से लगाते हुए पूरा लेस की स्टिचिंग कर दीजिएगा। जहाँ से कॉर्नर है वहाँ से फोल्ड करके कॉर्नर बना दीजिएगा और लेस की गले पे अच्छे से पूरा लगा के स्टिच कर दीजिएगा।
एक साइड से पूरा देखिए लेस स्टिच हो चुका है, दूसरे साइड से भी अच्छे से कर देंगे पूरा स्टिचिंग। तो मैंने कम्प्लीटली पूरे लेस की स्टिचिंग देखिए गले पे कर दिया है। अब इसको हम देख लीजिए, इसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो मैंने ये पट्टी जो बनाई थी उसको ले लिया है और पट्टी को गले से थोड़ा सा गैपिंग देते हुए स्टिचिंग करेंगे। और सेम इस तरीके से ही स्टिचिंग कीजिए जैसे लेस की स्टिचिंग की है, जहाँ से कॉर्नर आए वहाँ से पट्टी को भी फोल्ड करके कॉर्नर बना दीजिएगा। तो अब देख लीजिए मैं कैसे पट्टियों को बना रही हूँ, ऐसे सेम आप भी बनाइएगा। तो ये देख लीजिए मैंने पट्टी कैसे स्टिचिंग की, सेम इस तरीके से दोनों साइड से कर लीजिएगा तो आपको वीडियो में क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो मैंने पट्टी कम्प्लीटली दोनों साइड से स्टिचिंग कर दिया, देख लीजिए आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से स्टिचिंग करने के बाद हम नीचे के साइड से जो मैंने पम्पन लगाया है ये मार्केट में आपको मिल जाएगा और यहाँ से हम फ्लावर को स्टिच कर देंगे। तो मेरी ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कम्प्लीट है। अगर आपको अच्छी लगी हो ये ब्लाउज डिज़ाइन तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा मेरे लेटेस्ट डिज़ाइनर वीडियो की अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।